मां छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है रंगीन बहुत है, रूठे कभी तो हो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे, ताली पे देते तार, चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में। ए जुगाड़ी भैया, एक हसीना थी एक दीवाना था। जयराम जी की। जयराम जी की क्या बात है जुगाड़ी भैया, हैं आजकल तुम्हारा चाहने वाले बहुत पैदा हो गए। सही बता रहे, विश्वास नहीं करोगे, आजकल तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो। अबे हो गए का मतलब है, हम तो बचपन से पॉपुलर हैं। अबे जब हम पैदा हुए थे ना, तो हर डॉक्टर हर नर्स हमका के देखी थी। ऐसा सब अम्मा और पापा से कहते थे, बहुत प्यारा बच्चा है, चिंता ना करो बच जाएगा, बस दवा टाइम से देते रहना। पर जुगाड़ू भैया, आज तुम्हारा बचने का कोनो चांस नहीं है। काहे बे? काहे कि एक सुंदर नारी बेचारी तुमको खोजते फिर रही है। कौन? नाम क्या? नाम हम का जाने, हम उससे कुछ पूछे नहीं, वो हमको कुछ बताए नहीं। अरे हरिया, तुम पटकापुर में किसी का नाम नहीं जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता? सही बता रहे भैया, विश्वास नहीं कीजिएगा, वो पटकापुर की नहीं है, कहीं बाहर से आई है, दूसरे गांव से। बाहर से? यही तो बता रहे थे भैया कि तुम इतने पॉपुलर हो गए हो कि लोग तुम्हें दूसरे गाँव से खोजते हुए आ रहे हैं। अबे पर वो है कहाँ? अरे हम तो समझे थे कि वो अब तक यहाँ पहुँच गई होगी, हम उसको तुम्हारा पता भी दिए हैं। सही बता रहे, विश्वास नहीं करोगे। अबे पर वो है कौन? ए जुगाड़ी भैया, एक बात पूछे, बुरा मत मानना, कोनो दूसरा चक्कर तो नहीं है? मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। जाने क्या समस्या है अपने आप को इस जुगाड़ी लाल। जुगाड़ू लाल जी कहाँ मिलेंगे? जुगाड़ू लाल काहे? जुगाड़ू से काहे मिलना चाहती हो चुपके से? अरे हम काहे चुपके से मिलेंगे, हम को ऐसा वैसा काम करने थोड़े आए हैं। अरे वही तो पूछ रहे हैं कि जुगाड़ू से तुमको क्या काम है चुपके से? फिर वही चुपके से, वो का है ना कि ये हमारी आदत है चुपके से। आदत है चुपके से? हाँ, हम ना हर एक बात पे ही कहते हैं चुपके से। पर तुम ये बताओ कि तुमको जुगाड़ू से क्या काम है चुपके से? अब ये बात तो हम जुगाड़ू जी को ही बताएंगे चुपके से। तुम ये बता दो क्यों हमें मिलेंगे कहाँ? ये लो, ये आ गए। ए जुगाड़ू, ये ना तुम्हारे बारे में पूछ रही थी चुपके से। तुम हो जुगाड़ू? पटकापुर के जुगाड़ू तो हम ही हैं, आप कौन जुगाड़ू ढूंढ रही? नहीं नहीं, हम ढूंढ तो तुम्हें कर रहे थे, लेकिन हमने जैसा सोचा था तुम वैसे हो नहीं। तो आप कैसे सोचती हैं जुगाड़ू कैसा होगा? सर पे दो सींग होंगे, पिछवाड़े में पूंछ होगी। देखो कल्पना करके ही खुश हो रही। नहीं नहीं, हम सोचे थे कि जुगाड़ू जी कोनो बुजुर्ग आदमी होंगे, लेकिन तुम तो एकदम ही जवान हो। जवान? अरे हम जवान नहीं है। हाँ? अब नौजवान है, नौजवान। और वो बाकी के आठ जवान वो कहाँ है चुपके से? आप आइए, आइए। हाँ अब बताइए कि प्रॉब्लम का है। हमको कोनो प्रॉब्लम है, ये तुमको कैसे मालूम? अरे हमका दो ही टाइप के लोग खोजते हैं, एक तो वो जिनको हमसे प्रॉब्लम होता है,
और दूसरे जिनको कोनो प्रॉब्लम हो। अब आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम? वो का है कि हमारा नाम धनिया है। तो नाम बदल डालो। नहीं नहीं, ई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नाम धनिया है और हम खटकापुर से आए हैं। हाँ समझे, अब प्रॉब्लम का है? हमारा नाम एक बिटवा है, मिर्चा। वो प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमको ना अपने बिटवा को स्कूल में भर्ती कराना है और खटकापुर में एक ही अच्छा प्राइवेट स्कूल है, विद्या सागर। आप जरा प्रॉब्लम पे आएंगे? अब आएगा ना। वो का है ना, वो स्कूल में सब पैसा वाला के बच्चे पढ़ते हैं, हम जैसों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम? हाँ, और हम सुने हैं कि उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना, वो तुम्हारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त है। अपने पिताजी से एक सिफारशी चिट्ठी लिखाए दो ना, हमारे बिटवा का एडमिशन हो जाएगा। अरे आप हमारे पापा को नहीं जानती? नहीं जानती। अरे वो तो हम भी जानते हैं, वो कभो किसी के लिए सिफारशी चिट्ठी नहीं लिखते, और अगर लिख दिए होते ना तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। कहाँ होते? क्या पता कहाँ होते। गाड़ीलाल, हम ना तुमरा बड़ा नाम सुने हैं कि जुगाड़ू लाल कोनो जुगाड़ ना कर सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब बात हमारे जुगाड़ पे आ गई है तो ठीक है। कहा है ना, हम तो जुगाड़ करने के लिए ही पैदा हुए हैं, तभी तो हमारा नाम है मिस्टर जुगाड़ू लाल। तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटिन चाय कॉफी में भी मिलता है। ए जी सुनते हैं, जुगाड़ुआ कहाँ है? कैसे पूछ रही हो, जैसे जुगाड़ू को जेब में रख के घूमते हैं। लगा होगा किसी जुगाड़ में। आप भी ना अपने सन से ऐसे एनिमी करके बैठे हैं ना कि दूठो वर्ड अच्छा नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी तो हमको डाउट होता है कि वो आपका बेटा भी है कि नहीं। तुमको डाउट होता है? वो आ गया तो हर लाडला, देखो। ए जुगाड़ू, कहाँ थे सवेरे से? का बताइए अम्मा, जमाना इतना खराब हो गया है, आजकल लोग एहसान तो लेना चाहते हैं मगर फ्री में। बबुआ, जो फ्री में किया जाता है ना, वही तो एहसान होता है। पापा, एक बार आदमी खुद फ्री में एहसान कर दे, दूसरों से फ्री में कैसे करवाएगा? पर आप लोग काहे के बारे में टॉक कर रहे हो? अरे अम्मा, एक औरत आ ही रहा है अपने बच्चे का एडमिशन कराने विद्यासागर स्कूल में। हम कह दिए बच्चे का भविष्य खराब होता है, हो जाए, पढ़े लिखे या चोर बने, हमका कोनो मतलब नहीं है, लेकिन हमरे पापा पैसे लिए बिना सिफारिशी चिट्ठी लिख के नहीं देंगे तो नहीं देंगे। देखा देखा अपने आँख के तारे को, अपने साथ साथ हमको भी बदनाम करने पर तुला है। अरे ठीक ही तो कह रहा है, आप काहे को फ्री में लिख के चिट्ठी देंगे? चिट्ठी तो आप टेंशन मत लीजिए पापा, हम पहले ही बोल दिए हैं, चोरी चकारी क्लास में डाल दूं, चार पैसा कमाएगा, पर लिख के क्या बनेगा, स्कूल मास्टर? का है, स्कूल मास्टर पैसा नहीं कमाता है का? उसको तनख्वाह में आटा दाल मिलता है। पर वो बच्चा स्कूल मास्टर नहीं बनेगा। का है नहीं बने? अरे पढ़ेगा नहीं तो कैसे बनेगा? का है नहीं पढ़ेगा? अरे एडमिशन होगा तभी तो पढ़ेगा। तो एडमिशन का है नहीं होगा? अरे विद्यासागर स्कूल का प्रिंसिपल बिना चिट्ठी का एडमिशन नहीं देगा। चिट्ठी हम लिख देंगे और फिर देखते हैं एडमिशन कैसे नहीं देता, उसका बाप भी देगा। बचपन का लंगोट क्या यार है, कैसे नहीं मानेगा हमारी बात। अभी आते हैं। ए जुगाड़ू, तुम अपने पापा को काहे इतना एंग्री करते हो? अरे अम्मा, जब प्यार से काम नहीं निकलता है तो गुस्से से काम निकालना पड़ता है। अरे बबुआ, चिट्ठी किसके नाम लिखना है तो बताए नहीं। श्रीमती धनिया देवी और उनके सुपुत्र मिर्चा लाल के नाम, लेकिन चिट्ठी विट्टी कोई होए वाला नहीं है पापा। बबुआ तुम देखना हमारे चिट्ठी का कमाल, मिस्टर जुगाड़ू लाल। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो विद्यासागर स्कूल में हमारे बिटवे का एडमिशन हो ही जाएगा। अरे तुम हमारे पापा को नहीं जानती धनिया, एक बार हमारे पापा को इमली हाउस में एंट्री मिले ना मिले, लेकिन उनकी चिट्ठी लेके जाने वाले को व्हाइट हाउस तक में एंट्री मिल जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाएंगे? अरे का है एहसान धनिया, ये तो जुगाड़ है, और जुगाड़ करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। ऐसे ही हमारा नाम मिस्टर जुगाड़ू लाल थोड़ी ना। अच्छा अब हम चलते, एडमिशन मिलेगा तो बताएंगे। बताएंगे? अरे मिठाई खिलाना पड़ेगा, मिठाई। प्रॉमिस? प्रॉमिस, चलते हैं। वाह मियां जुगाड़ू, बहुत प्रॉमिस किए जा रहे हैं, क्या बात है।
चाचा देखो कुछ गलत ना समझ लेना, हम तो मिठाई खिलाने का प्रॉमिस ले रहे थे। अच्छा खुशखबरी है क्या? कोई खुशखबरी नहीं है लेकिन होए वाली है। वाह मियां जुगाड़ू, तुम तो बड़े छुपे रिश्ता निकले। पजामा कुर्ता लट्ठे का और कच्चा सिल्क का। का मतलब? मतलब ये कि हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारा चीनी से चक्कर है, लेकिन तुम्हारा काका किसी और से भिड़ा हुआ है। आप भी ना समझ। अच्छा सबको अपने मुगलिया चश्मे से देख लेते हो। अरे वो बेचारी अबना नारी हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आई थी, हम उसको चिट्ठी का जुगाड़ करके दे दिए ताकि उस चिट्ठी से उसके बच्चे का स्कूल में ही एडमिशन हो जाए। तो वो शादीशुदा है? हाँ, और उसके बच्चे का एडमिशन हो गया, तू हमको मिठाई खिलाने का प्रॉमिस की से। आप भी ना कुछ भी समझ लेते हैं। अरे काश हम दर्जी की दुकान नहीं खोले होते, स्कूल खोले होते तो मजा आ जाता आज। आए हाय प्रिंसिपल साहेब, प्रिंसिपल साहेब। नमस्ते। नमस्ते। हम धनिया है। धनिया? हाँ, और ये है हमारा बिटवा मिर्चा। मिर्चा? नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। कौन सा वाला, लाल के काला? मतलब? मतलब ये कि जो मिर्चा है वो लाल वाला है काला वाला है? नहीं नहीं, इसका नाम मिर्चा है। धनिया मिर्चा। आप लोगों को ना सब्जी की दुकान में होना चाहिए था। वो क्या कहते हैं हिंदी में, हमरे स्कूल में क्या कर रहे हो? वो काहे कि हम स्कूल में इका नाम लिखवाने आए हैं। काहे? खुद लिखना नहीं आता जो लिखाने आए हैं? नहीं नहीं आता है ना। तो कहीं भी जाके लिख दीजिए ना, हमरी नींद काहे। वो क्या कहते हैं हिंदी में, डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं आप ना समझे नहीं, हम ई को आपके स्कूल में भर्ती कराने आए हैं। तो ऐसा कहिए ना, उसका कहते हैं हिंदी में एडमिशन कराने आए हैं। हाँ ओ, ओ हम ना चिट्ठी, ये चिट्ठी भी लाए हैं। चिट्ठी? उका कहते हैं हिंदी में कुरियर का काम भी करते हैं का? अरे नहीं नहीं एडमिशन की चिट्ठी। कहा समझते हैं आप? सिफारिश? हम आपका सिफारिश लेके उका कहते हिंदी में बच्चे का एडमिशन फ्री में करेंगे। नहीं नहीं फ्री में काहे कराएंगे, हम फीस भी देंगे। तो फिर कहा समस्या है? अरे फीस भरेंगे तो एडमिशन तो हो ही जाएगा। पहले एक बात बताइए, बच्चे के पिता का स्वर्गवास हुए कितना समय? स्वर्गवास? अरे उनका काहे स्वर्गवास होगा, स्वर्गवास होगा तो आपका। हमारे कहे का मतलब है कि वो तो अभी जिंदा है। ये देखिए हमारा सिंदूर, मंगलसूत्र। हाँ अब वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताइए हमें, अगर बच्चे के पिता जिंदा है तो फिर यहाँ स्कूल में काहे नहीं आए? उका कहते हिंदी में मैडम, माता पिता दोनों का यहाँ आना बच्चे के एडमिशन के लिए अनिवार्य है, वरना एडमिशन नहीं होगा। समझे? वो काहे कि वो तो शहर गए हैं, चार महीना के बाद आएंगे। तो क्या मुश्किल है, फिर अगले साल एडमिशन करा लेना। लेकिन माता पिता दोनों के आए बिना हम एडमिशन नहीं करेंगे। उका कहते हिंदी में हमारे स्कूल का ये रूल है। समझे? नमस्कार। अरे हरिया, अरे जुगाड़ू कहीं देखा का? हाँ देखे है ना, पटकापुर में देखे हैं बहुत बार। सही बता रहे हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा। अरे हम वो नहीं पूछ रहे,
हम ही पूछ रहे हैं कि अभी कहीं देख लो जुगाड़ू को। ए पंडितवा, का बहुत याद आ रही है तो का जुगाड़ू की? अरे हमको नहीं, वो चीनी को, बेचारी खोज रही है भोलेनाथ की कृपा से। अरे कलयुग है पंडित, कलयुग। अरे चीटा तो चीनी को खोजता था, अब चीनी भी चीटे को खोज रही है कि नहीं कलयुग बताओ। उठ क्या रहे हैं जुगाड़ू के जिगरी चचा, उनको जरूर पता होगा जुगाड़ू के बारे में। समझ चचा, जुगाड़ू को देखे है क्या? अमामी कई बार देखा है, अपने पटकईपुर में तो रहता है। अबे तुम्हारा जूता तुम्हारे सर पे। अरे वो चीनी बिचारी खोज रही है, और जुगाड़ू बाबू का कुछ अता ही पता नहीं। क्या बात कर रहे हो मियां, जुगाड़ू कहाँ जा सकता है? एक बात बताए भैया, विश्वास नहीं कीजिएगा, आजकल जुगाड़ू खटकापुर का बहुत चक्कर काट रहा है। अच्छा, खटकापुर? खटकापुर में कहाँ है? कहाँ जाने भैया, बस हम देखे हैं उसको खटकापुर आते जाते। खटकापुर के नाम से हमको भी खटक रहा है, क्योंकि आजकल जुगाड़ू बाबू के कुछ रंग ढंग जो है ना, कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से। भाई कह रहे हो मियां, मैंने भी एक मोहतरमा के साथ उसको देखा है, मिठाइयां, खुशखबरी, वादे भी किए जा रहे थे। क्या बात कर रहे भैया, हमारा जुगाड़ू कम से कम इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं है। पर किसी ना किसी चक्कर में तो है, तब्बे तो खटकापुर का इतना चक्कर लगा रहा है। जुगाड़ू को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, चीनी बिचारी उसके भरोसे बैठी हुई है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो मियां, पर इस उम्र में पांव फिसलते देर नहीं लगती, और वैसे भी कोई कब तक झाड़ के नीचे बैठ के फल पक्के टपकने का इंतजार करेगा? पका पकाया मिलेगा तो कोई भी ललचा जाएगा। बात भी सही है, बात तो तुम्हारी भी ठीक है उसाना। वैसे हम भी ये बात नोट कर रहे हैं कि आजकल जुगाड़ू का व्यवहार जो है कुछ पतला पतला समझ आ रहा है। एक बात बताए भैया, हमको लगता है जुगाड़ू भैया डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सही बता रहे हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा। अरे अगर ऐसा हुआ तो चीनी का क्या होगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या बात कर रही हो? वो प्रिंसिपल हमारे पापा की चिट्ठी देखकर भी तुम्हारे बिटुआ का एडमिशन देने से मना कर दिया। अरे तुम्हारे पापा की चिट्ठी तो वो पढ़े ही नहीं, पहले ही तुम लोग की फरमान चला दिए कि जब तक मिर्चा के पापा ना आएंगे एडमिशन ना होगा। हाँ तो प्रॉब्लम का है, ले जाओ ना भैया को। यही तो प्रॉब्लम है, मिर्चा के पापा नहीं है। क्या बात कर रही हो, तुमको देख के ऐसा लगता तो नहीं? समझे, सफेद साड़ी का फैशन नहीं ना है आजकल। अरे हमारे कहे का वो मतलब नहीं है। हाँ, मिर्चा के पापा गांव में नहीं है, शहर गए हैं काम के खातिर, 3-4 महीना में आ जाएंगे, लेकिन तब तक एडमिशन भी फुल हो जाएगा। अरे तो ये बात प्रिंसिपल को काहे नहीं बता दी? अरे बताए थे तो वो टिकवा हमसे कहने लगा कि अगले साल एडमिशन करवा लेना। चुगारू, हमारे बिटवा का तो पूरा साल ही खराब हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करें? अब तुम ही कुछ कर सकते हो जुगारू, हमारे बिटवा का पूरा साल का सवाल है। एक आइडिया है। अच्छा बाप बताओ, वो प्रिंसिपल तुम्हारे पति को देखा नहीं ना है? हाँ, नहीं देखे तो? अरे तो किसी को भी अपना पति बना लो, एडमिशन हो जाएगा। हाय दैया, ऐसे कैसे उनके जीते जी हम दूसरा ब्याह कर ले, और फिर कोई हमारी नजर में भी तो नहीं है दूसरे ब्याह के खाते। एक है जो ब्याह करके बैठा है, 3-3 बच्चे भी है, और रघु वो तो फौज में चला गया, गोपाल उन्हें तो आत्महत्या कर ली, अब बच्चा किशन, रामू, सामू। अरे 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 धनिया देवी, तनी ब्रेक तो लगाओ, हम दूसरा ब्याह करा थोड़े ना कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कोई नकली पति बना के ले जाओ, झूठ मूठ का। आय हाय हाय, या असली का तो रोना है, नकली कहाँ से लिया है? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे लिए हस्बैंड का जुगाड़ तो हम कर ही सकते हैं। अरे जानती नहीं हो का, हमारा नाम है मिस्टर जुगाड़ू लाल। हमको ना एक हस्बैंड चाहिए। हम किस मर्ज की दवा हैं? बच्चे का बाप बनाए कहा, इतना जल्दी थोड़ी होता है यार, हम तो गौना का लेके परेशान हो रहे हैं, ये बच्चे की टेंशन और देता हूँ हमको। हाय कमला नारी बेचारी, उसके बच्चे के लिए बाप ढूंढ रहे हैं। अरे पर बच्चा किसका है? अपना ही है।